हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे गिनती। प्रत्येक भाषा में उसकी अपनी संख्याएं होती हैं। यहाँ हिंदी की संख्याएं दी गई है, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। अंग्रेजी अंकों में, हिंदी अंकों में और हिंदी शब्दों में। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, सात सात, आठ आठ, नौ नौ, दस दस, ग्यारह ग्यारह, बारह बारह, तेरह तेरह, चौदह चौदह, पंद्रह पंद्रह, सोलह सोलह, सत्रह सत्रह, अठारह अठारह, उन्नीस उन्नीस, बीस बीस, इक्कीस इक्कीस, बाईस बाईस, तेईस तेईस, चौबीस चौबीस, पच्चीस पच्चीस, छब्बीस छब्बीस, सत्ताईस सत्ताईस, अट्ठाईस अट्ठाईस, उनतीस उनतीस, तीस तीस, इकतीस इकतीस, बत्तीस बत्तीस, तैतीस तैतीस, चौंतीस चौंतीस, पैंतीस पैंतीस, छत्तीस छत्तीस, सैंतीस सैंतीस, अड़तीस अड़तीस, उनचालीस उनचालीस, चालीस चालीस, इकतालीस इकतालीस, बयालीस बयालीस, त्रियालीस त्रियालीस, तैतालीस चौवालीस चौवालीस, पैंतालीस पैंतालीस, छियालीस छियालीस, सैंतालीस सैंतालीस, अड़तालीस अड़तालीस, उनचास उनचास, पचास। अब हम इसका अभ्यास करें। अंकों में दिए गए गिनती के सही शब्दों पर सही का निशान लगाइए। सात छः चौवालीस पैंतालीस, छः को क्या बोलेंगे, छ, पैंतालीस पैंतालीस, पंद्रह पंद्रह, उनचास उनचास, तेईस तेईस, पचास पचास। अगला, दिए गए निर्देशन खाली जगह भरिए। ग्यारह के बाद बारह आता है। मेरे घर में पांच लोग रहते हैं। नौ प्लस नाइन प्लस सिक्स प्लस सेवन, नौ जो नौ धन छः धन सात, कितना होगा, बाईस। हिंदी अंकों में बाईस होते हैं। दस के बाद ग्यारह आता है। हमारे दोनों हाथों में दस अंगुलियां हैं। उन पचास के बाद पचास आता है। बच्चों, आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, इसी में से आपको वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। धन्यवाद।